हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे ब्राइडल मेहंदी डिजाइन। जिन्हें मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है और मेहंदी लगाना आता नहीं है, तो फिर कुछ छोटे छोटे टिप्स शायद मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कॉमेंट बिल्कुल भी देना मत भूलना। कल मेरे पास एक कमेंट आया, वैसे तो अभी कुछ दिनों पहले भी कुछ ऐसे कमेंट आए थे जो कि मेरे मेहंदी क्लास के वीडियो से थे, जो उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें सीखा और उसमें वाकई में उन्हें कुछ सीखने को मिला, इसलिए उन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। तो सच बता रही, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। पता है, ऐसे आप लोग जब देखते हैं उसके बाद फिर अप्रिशिएट करते हैं और इससे हम लोग कितने मोटिवेट होते हैं और हमारा भी मन करता है कि हम बहुत सारे वीडियो डालें। आज का ये मेहंदी डिज़ाइन है ना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा भरवा और शेडेड मेहंदी डिज़ाइन लुक में है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना जो ये मैंने फ्लावर बनाया है, बहुत सिंपल सा है। अगर आप चाहो तो आप दूसरा कोई भी अपनी पसंद का फ्लावर बना सकते हो, बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ और समझना आपका काम है और उसके अलावा प्रैक्टिस करना भी आपका काम है। तो आप देख सकते हो कि पहले मैंने जो फ्लावर बनाया था वो सिंपल सा बनाया था, उसके आसपास मैंने मेहंदी भर दी थी। पता है, इतने जो ईजी स्टेप है ना इसमें, कि आप देखेंगे कि उसमें कुछ मैंने ज़्यादा नहीं किया है, बट मतलब थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करके ना उसमें हैवी लुक ले आई हूँ मैं, और जिसे आप भी ट्राई करोगे ना तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप भाई किसी शादी में या अपनी शादी में ही लगाओ, आप अपनी पसंद से किसी भी ओकेजन में लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं और कई बार तो बहुत सारे लोगों को ना पूरा ब्राइडल मेहंदी लुक की तरह ही मतलब नॉर्मल लाइफ में भी लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है भाई, मेहंदी लगाना तो मतलब मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने वैसे ही फ्लावर बनाए पर थोड़े से अलग है, तो इसमें मैंने बिल्कुल उसी तरीके से भरवा लुक दे दिया है। अभी आप देखना, जब ये पूरा हो जाएगा ना तब आप देखना इसका फाइनल लुक, आपको सच बता रही हूँ बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी, क्योंकि ना आप लोगों ने कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी करने लगे हो, ये ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सच बता रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ और आप लोगों ने कमेंट नहीं करते हो, ये मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो अपनी अपनी मर्जी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया और छोटी छोटी सी बूटी टाइप की बना दी है, जो भी आपने अपनी ड्राइंग वगैरह में कभी बनाई होगी। मतलब ऐसा इसमें कोई भी स्टेप नहीं जो आप नहीं बना सकते। यहाँ पे भी मैंने हाफ सर्कल बनाया है। अगर आप सोचोगे कि भाई हमसे नहीं बनेगा, जो बिगनर्स है अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो आप ना कटोरी लेके छाप सकते हो, जैसे उसमें साइड में आधी कटोरी में मेहंदी लगाई और छाप दिया, या जो चांदा आता है जो बच्चे मैथ वगैरह में यूज़ करते हैं ना या ड्राइंग वगैरह में यूज़ करते हैं, तो आप उसमें भी लगा के इसमें छाप सकते हो। अच्छा, जो नीचे वाले स्टेप थे ना, जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप जैसे भरवा लुक दिया है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे ना बीच में टेप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। आप देख रहे हैं मेरे जो टेप वाले मेहंदी डिज़ाइन है कितने अच्छे हैं और कितने लोगों ने उन्हें देख के इतना सारा प्यार दिया है उस वीडियो में, कि मैं क्या बताऊँ। तो उस वीडियो को मैं लास्ट में लगा दूँगी, प्लीज़ ज़रूर देखना, या ऊपर आई बटन जो दिखता है ना वहाँ पर लगा दूँगी, तो एक बार जाके ज़रूर देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ना चेक कर दिया था। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा हाफ सर्कल वाले डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसमें मैं अलग अलग स्टेप में डिज़ाइन फिल कर दूँगी। आप देखने, इतनी देर तक मैंने जैसे जो पहले स्टार्टिंग में भरवा लुक दिया, उसके बाद फिर मैंने बीच में कलाई से थोड़ा सा ऊपर भरवा लुक दिया, और यहाँ पे फिर मैंने मतलब कलाई में जो लाइनिंग करके उसको छोटी छोटी लाइनिंग ड्रॉ करके सर्कल बना दिया। अब इसके बीच में जो मैंने हथेली में जो जगह है यहाँ पे हाफ सर्कल बना के उसमें चेक बना दिया। अब आप बताइए कि इसमें ऐसा कोई भी ऐसा डिज़ाइन है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसा कोई भी नहीं होगा। अगर है ना तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स बताइएगा, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। और अगर आपको मतलब लगता है कि ये सच में बहुत आसान है तो मुझे बताना ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैंने आप लोगों के लिए जो मैंने डिज़ाइन बनाया है वो आप लोगों को कैसा लगा है। देखिए फ्रेंड्स, आप ना मेरे चैनल पर जाके और भी बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन है ना जो आप देख सकते हो और जिनसे आपको सच उतारी को सीखने को ही मिलेगा। देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ, जिससे आपको मेहंदी लगाने बहुत हेल्प मिलेगी। कई बार लोगों को तो इतना पसंद आता है मेहंदी लगाना, पर जैसे ही कोन लेके बैठते हैं तो या तो उनकी कोन बाहर निकल जाती है, मतलब मेहंदी बाहर निकल जाती है, उनका जो नोक होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, जिससे कि मेहंदी मतलब बहुत स्पीड में निकलती है, या रुक रुक के चलती है। इतने सारे टिप्स दे रखे हैं मैंने अपने वीडियोज़ में, जो आप जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल को देखना चाहते हैं तो माधवी रश्मि ब्लॉग में भी जाके आप मुझे देखें और जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।